प्लस वन डी क्लास बेटे, हमने फर्स्ट लेसन शुरू किया था कल। लेसन का नाम था भारत संविधान, उसका अर्थ और विशेषताएं। बेटे अर्थ मैंने आपको कल करा दिया था संविधान का। आज हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं लिखें, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? संविधान को। मैंने बताया था कि भारत के संविधान की कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो उसे दूसरे देशों के संविधानों से अलग करती है। देखें बेटा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है प्लस वन डी क्लास। पहले तो बच्चे एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आने हैं, फिर दो दो नंबर के, 4 नंबर के, और लास्ट में 6-6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। आपका ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसका हर पॉइंट अपने आप में 4 नंबर का भी क्वेश्चन है। जैसे मैं बता दूंगी क्वेश्चन का आंसर, देखे बच्चे, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उसका कारण क्या था मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बेटा काफ़ी लंबे समय से हमारे इंडिया में 26 जनवरी का दिन जो है ना इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन जब भारत का जो भारत आज़ाद हो गया तो उस दिन कौन सी डेट थी? 15 अगस्त थी। तो इसलिए फिर इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को ही मनाया जाना था, तो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस बनी रही, इसलिए 26 नवंबर को शाही संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू 26 जनवरी को ही किया गया था। अब इसकी मुख्य विशेषताएं किस प्रकार है? देखिए, सबसे पहले इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? रिटन है और विस्तृत, लिखित और विस्तृत, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा है। रिटन एंड कम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें ना कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद का मतलब होता है बेटे धाराएं, 395 धाराएं हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 चैप्टर हैं। अब तो कई बेटे अमेंडमेंट्स करके ना इसके अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं और इसके चैप्टर भी, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई हुई है। ठीक है बेटे, संवैधानिक संशोधनों द्वारा बहुत से संविधान में से अनुच्छेद निकाल भी दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनुच्छेद शब्द की जगह हम धारा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सी नई धाराएं भी शामिल भी की गई हैं, लेकिन सीक्वेंस उसी प्रकार रखी गई है, इसलिए जो इनकी गिनती है ना वो 395 ही रहती है बेटा। 95 के अनुच्छेद जो है बढ़ गए हुए हैं, लेकिन फिर भी सीक्वेंस नहीं बदली गई, इसलिए इनकी गिनती में कोई बदलाव नहीं आया है। ये तो हो गया रिटर्न, लिखा हुआ है मतलब हर चीज़ लिखी हुई है। और हर चीज़ कैसे लिखी हुई है बेटा? बहुत डिटेल में लिखी हुई है, डिटेल मतलब कम्प्रीहेंसिव, विस्तृत संविधान है। अब वो कैसे है देखे बेटा, भारत के संविधान में हमारे अधिकारों का वर्णन किया गया है। 3रे चैप्टर में हमारे मौलिक अधिकार है, 4थे चैप्टर में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, और इसके अलावा 352 में और 360 तीनों आर्टिकल्स में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। मतलब इतना डिटेल में लिखा गया है जिसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत हर चीज़ खोल के लिखी गई है। उसका कारण क्या था बेटा? उसका कारण ये था कि लोग अपनी मर्जी से संविधान का अर्थ जो मर्जी ना ले लें, मतलब वो ये ना सोचे कि ये लिखा हुआ है तो इस बात को हम तोड़ मरोड़ के ऐसे कर लें, इसलिए हर चीज़ का बेटा जो डिटेल में वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटे फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार संविधान के 3रे चैप्टर में है। मैंने अभी बताया ऊपर संविधान के कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। उनमें से जो 3रा चैप्टर है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और ये संख्या में 6 हैं। पहले बेटे हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है 1979 के बाद हमसे हमारा जो अधिकार है ना संपत्ति का अधिकार वो छीन लिया गया है, और अब हमारे पास 6 अधिकार रह गए हैं। शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में ही ऐड किया गया है नया अधिकार, तो सीक्वेंस नहीं चेंज हुई। सीक्वेंस है समानता का अधिकार पहला, स्वतंत्रता का अधिकार है दूसरा, समानता का अधिकार आर्टिकल बेटे 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो है आर्टिकल 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है ये है 29 और 30 में,
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है आर्टिकल 32 में। ये जब हमने बेटा मौलिक अधिकारों का चैप्टर करना डिटेल में, पूरा डिटेल में, तब हमें ये अधिकार समझ आएंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि समानता के अधिकार में हमें हर तरह की समानता दी गई है, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें हर तरह की स्वतंत्रता दी गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें ये कहा गया है कि कोई भी मनुष्य का व्यापार नहीं करेगा और ना ही उनके खिलाफ उनको जबरदस्ती खरीदा और बेचा जा सकेगा। धार्मिक स्वतंत्रता में हमें हर धर्म को, किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की आज़ादी दी गई है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता में भी हमें काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं। अल्पसंख्यकों वर्ग के लिए है ये, अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं जो कम गिनती के वर्ग होते हैं, जैसे इंडिया में मुसलमान हैं, तो वो लोग अपनी संस्कृति और शिक्षा का प्रसार कर सके, इसलिए ये अधिकार उन्हें दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार अगर हमारे पास ना हो तो बाकी अधिकारों का होना वेस्ट है। तो ओके बेटा, ये दो पॉइंट आपने करने हैं, बाकी हम कल करेंगे बेटा।